हाय दोस्तों, तो यार आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल में अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो यार आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक काफी सेंसिटिव है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि यार थोड़ा हंसी मजाक में ही हम लोग बात करें। क्योंकि देखिए ये जो ट्रेलर है शुभ मंगल ज्यादा सावधान, इस ट्रेलर के बारे में एक्चुअली सबसे पहले मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुका बनाने के लिए। क्योंकि मोस्टली जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके 4.5 लाख या 3.5 लाख या 1.5 लाख या 2.25 लाख या 40-50 हजार सब्सक्राइबर्स है, वो लोगों ने शुभ मंगल ज्यादा सावधान का जो कॉन्सेप्ट उसको बहुत अच्छा बोला है और एक रिवोल्यूशन बोला है। तो ये सब चीजों को सुनकर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि इसमें मुझे कहीं से भी रिवोल्यूशन लग रहा नहीं था। और दूसरी बात बोलू, इस ट्रेलर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इस मूवी में जो एक्टर्स है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आज हमारे इंडिया में मौजूद है, वो इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आयुष्मान खुराना, जितेंद्र, गजराज जी, नीना जी, ये चारों के चारों फैंटेस्टिक एक्टर्स हैं। और इन लोगों को मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और ये लोग इस फिल्म में है तो यार बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाएंगे, नो डाउट। मगर प्रॉब्लम इस फिल्म के कंटेंट को लेकर है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं यार इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करना चाहिए, रिवोल्यूशन है, फलाना ढमाका, बहुत सारी चीजें। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज को लीजिए कि खुदा ने इस दुनिया को बनाया, हमको बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ पौधे, मतलब सब कुछ अल्लाह ने बनाया। अब अल्लाह ने एक आदमी और औरत को बनाया, तो उन्होंने आदमी आदमी क्यों नहीं बनाया? ये औरत आदमी का कॉन्सेप्ट क्यों किए, औरत आदमी क्यों रखे? अल्लाह ने जहन दिए, दिमाग सोचने के लिए, आदमी को भी दिए, औरत को भी दिए और जानवरों को भी दिए। अब इंसान हमें सोचता है कि हम लोग जानवर से बहुत होशियार है, तो यहाँ पर आप लोगों की होशियारी के घास चढ़ने जाती है। जानवर को भी देखो, एकदम कॉमन जानवर कुत्ता कुत्ती, कभी कुत्ता और कुत्ता, डॉग और डॉग, यानी मेल डॉग और मेल डॉग को कभी सेक्स करते हुए देखे आप लोगों ने? जब जानवर होके वो डॉग और फीमेल एक दूसरे का सेक्स करते हैं, तो फिर ये आदमी आदमी का कॉन्सेप्ट, औरत औरत का कॉन्सेप्ट क्यों? ये जो चीजें है ना, ये आज बहुत कम है, ये मतलब नमक बराबर चीज है। लेकिन जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जितनी वेब सीरीजों में जो ये गे और लेस्बियन सेक्स को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ना, ये आज नहीं तो आगे चल के ना बहुत बड़ी बीमारी साबित होने वाली और ऐसी चीज होने वाली जिससे आप लोग, हम जैसे लोग सब भुगतेंगे। सच बता रहा हूं। देखो आप सोचो, लॉजिक लगाओ कि अगर गे गे प्यार करने लगे और लेस्बियन लेस्बियन प्यार करने लगे, तो आगे चल के ना लोग पैदा करेंगे बच्चे, ना बच्चे पैदा हो पाएंगे, ना कुछ, मतलब पूरी की पूरी जो अल्लाह के जो निजाम बना हुआ, वो पूरे निजाम को ही चेंज करना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी चीज है मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर्स भी आधे हो जाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता, मैं अपना खुद का पर्सनल जॉब करता हूँ, ये तो सिर्फ ऐसा पार्ट टाइम करता हूँ। और इस ट्रेलर का रिव्यू करने का मुझे कोई भी मन नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू की तारीफ कर रहे, रिवोल्यूशन लाया है या ये है वो है। और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, यार डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग खुद सोचो कि तुम लोग क्या करोगे, कल को तुम्हारा भाई कोई लड़के से शादी करके उसको घर पे लेके आ जाएगा तो तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी? या अगर तुम्हारी बहन किसी लड़की से शादी करेगी तो तुम्हारे माँ बाप पे या तुम पे क्या बीतेगी, ये सोचो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी सही नहीं है। और ये जो गे और लेस्बियन जो होते हैं ना, ये बाय बर्थ नहीं होते, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है। ये जब आधी एज में जब लड़का या लड़की होते तो वो उनके दिमाग में ऐसा फितूर आता है, और ये फितूर को बढ़ावा आप जैसे लोग देते जो ये सब चीजों को, वाह वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन, क्योंकि जब जब आप हिंदू भाई है मेरे या मुस्लिम भाई है, तो मैं उनसे इतना ही बोलूंगा, ये कयामत की निशानी है। जो आजकल गे लोगों की जो तादाद सडनली कुछ सालों से बढ़ गई है, या लेस्बियन लोगों की तादाद कुछ सालों से बढ़ गई है, एक्चुअली धीरे धीरे लोग आ रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब खुल के बाहर आ गए। जैसे बरसात होती मेंढक कैसे बाहर आते, वैसे लोग खुल के बाहर आ चुके, जो कि समाज के लिए तो क्या पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। मैं ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई ये सब चीजों को सपोर्ट मत करो। हाँ, मूवी को एंटरटेनमेंट के हिसाब से जरूर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस ये सब चीजों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। ये आप, मैं हंसी मजाक में भी इस वीडियो को बना सकता था, और मेरा सच बता रहा हूं, मैं जो लोग अभी गे हो चुके हैं, जो लोग लेस्बियन हो चुके हैं, मैं उन लोगों से इतना बोलूंगा, आप लोगों से मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरी बस प्रॉब्लम ये है कि सब चीजों को आप लोग भी बढ़ावा ना दे, और इस तरीके की फिल्मों को भी रिवोल्यूशन मत बोलो, ये कोई रिवोल्यूशन नहीं है।
अच्छी चीजों को बोलो ना रिवोल्यूशन तो समझ में आती है। ये कोई रिवोल्यूशन नहीं, ये सिर्फ एक समाज को बिगाड़ने की एक अलग नई चीज है जो कि फिल्म इंडस्ट्री वाले धीरे धीरे कर ही रहे। क्योंकि आप जितनी भी सीरीज देखोगे सीरीज में तो आपको स्लो स्लो पॉइजन चल ही रहा है गे लव और लेस्बियन लव, लेकिन अब ये कमर्शियली जो ये फिल्म आ गई तो फिल्म क्या होता है बहुत ही बड़ी ऑडियंस देखती है, स्पेशली फैमिली ऑडियंस तो फिल्म देखती है क्योंकि सीरीज तो मोस्टली सीरीज घर पे देखने लायक तो होती नहीं, लेकिन जब फिल्मों में इस तरीके की चीजें दिखाए तो वो एक नेगेटिव असर करती है। और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके का नेगेटिव असर हो। देखिए कुछ हार्ड फीलिंग्स ना रखिए, जो मेरी बात समझ सकते हो मेरी बात समझिए और ये फिल्म को एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए नो डाउट, लेकिन कुछ सीखो मत इस सब चीजों से। और अगर मेकर्स लोग इसमें ऐसा बताया कि गे लोग बहुत अच्छे होते हैं उनकी फीलिंग्स होती है लेस्बियन लोग की फीलिंग होती है, तो यार समझ लेना कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म से ऐसा बताना चाहिए कि इंसान को किस तरह से इस सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीजें सही होती तो फिर अल्लाह लड़का ही लड़का बनाते ना, लड़की और लड़के का कॉन्सेप्ट होता ही क्यों। छोटी सी बात है यार, इस वीडियो को ज्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता और काफी लोग इस पे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे बिंदास कर सकते हो। अगर तुम लोग के पास इतना टाइम है करने का तो करो, और मुझे मालूम है इसमें 100 से ज्यादा तो व्यू मिलने वाले हैं नहीं, अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और अगर 10 लोग भी समझ गए कि हाँ वाकई में ये चीजें गलत है तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो बस मैं लेस्बियन भाई और बहनों से इतना ही बोलूंगा कि भाई अपना ख्याल रखे और दुआ में याद रखना, और इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल दर दुआ में याद रखना।